हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आप लोग में से काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी लोग इससे रिलेटेड कई बार बोल चुके थे कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं UPPCL से रिलेटेड और आप लोगों के सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि क्या सच में UPPCL अब प्राइवेट हो चुका है, क्या अब UPPCL निजी हाथों में जा चुका है, इसका निजीकरण हो चुका है, क्या अब इसमें कोई भी भर्ती नहीं आने वाली, क्या छात्रों के भविष्य अब बर्बाद हो गया है। तो ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पर सेट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी सवालों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा, YouTube की एक वीडियो थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि अब UPPCL प्राइवेट हो गया है, अब UPPCL में कोई भी भर्ती नहीं आएगी और गवर्नमेंट ने इसको निजी हाथों में दे दिया है, इसका निजीकरण हो गया है। और यही वीडियो काफ़ी लोगों ने भेज करके मुझसे यही सवाल किया कि क्या ये वीडियो सच है, क्या सच में अब विभाग में कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। वीडियो देखने पर मुझे ये मालूम पड़ा कि जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो आधी इन्फॉर्मेशन थी, मीन्स वो आधी सच इन्फॉर्मेशन थी और आधी वो अपनी तरफ से बनाई हुई जानकारी आपको आपके माइंड में बैठा रहा था। तो एक्चुअल में जानकारी क्या थी, एक्चुअल में तथ्य क्या था? तथ्य ये था कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने खर्चे कम करेंगे और इस वजह से जो जनरेटिंग जो भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जो कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं, उसमें जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो सब्सिडी देती है उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो अब सब्सिडी नहीं देगी और जो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जितना भी खर्चा है वो जनरेटिंग जो एजेंसीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो विद्युत बना रहे हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो उनको अब खुद उठाना पड़ेगा। तो इस बात को उस YouTube चैनल पे इस तरह बताया जा रहा था कि इसकी वजह से अब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, अब सब प्राइवेट हाथों में हो गया है, जबकि ये बात एकदम गलत है। अब आप में से काफ़ी लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ये बात सच हो, क्योंकि इसीलिए अब जो वैकेंसी का जो टेंडर हो रहा था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो आपका टेंडर कैंसिल हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो जो इस समय बीमारी फैली हुई है, इसी बीमारी को देखते हुए, हालात को देखते हुए फिलहाल के लिए कैंसिल किया गया है। और पूरी उम्मीद है कि जब आपकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होगी तो दोबारा से टेंडर होगा, क्योंकि अगर भर्ती करनी ही ना होती तो टेंडर क्यों आमंत्रित किए जाते। और टेंडर आमंत्रित करने के पीछे यही मकसद होता है, जब कोई भी टेंडर होता है तो उस टेंडर के पीछे यही मोटो होता है कि उस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए और उस वैकेंसी को कंप्लीट करने के बाद लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाए। तो अगर UPPCL टेंडर करा रहा था TG2 और अदर वैकेंसीज के लिए, तो इन फ्यूचर भी आपका टेंडर होगा। और ये जो टेंडर कैंसिल हुआ था, आप सभी को पता है किस वजह से कैंसिल हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। तो वो सिचुएशन अलग है और ये सिचुएशन अलग है, तो आप लोग दोनों बातों को एक साथ मिक्स मत करिए। और बाकी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी ये लगता होगा कि सर तो ऐसा ही बोलते हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। और जो लोग को लगता है कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, अब सच में प्राइवेट हो गया है, मैं उनसे कहूंगा कि आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, तैयारी में समय मत व्यर्थ करिए। और अब जब आपको लग ही रहा है कि कोई भर्ती नहीं आएगी तो आपको क्या करना है, आपको नौकरी ढूंढनी है, अगर आपको नौकरी मिल जाए तो आपको नौकरी कर लेनी है। बाकी लोग तैयारी करते रहें और इन फ्यूचर जरूर वैकेंसी आएगी और जैसे ही आपकी सिचुएशन नॉर्मल होगी UPPCL में टेंडर दोबारा से होगा और उसके बाद वैकेंसीज फिर से आना शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप में से ज़्यादातर लोगों ने UPRVNL का फॉर्म भर दिया होगा, जिसने नहीं भरा है वो जल्दी भर दे और इसकी तैयारी में लग जाए। इसकी तैयारी के लिए इलेक्ट्रिकल विजन पूरे 200 मार्क्स थी, आपको घर बैठे अच्छी तैयारी करा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अभी उम्मीद भी कम है कि बहुत ही जल्द कोई भी ये जो आपकी सिचुएशन है ये नॉर्मल होगी या फिर बहुत ही जल्द आपकी कोई कोचिंग सेंटर्स आपके खुल पाएंगे। तो आपको अपने घरों पर ही रहना है और अच्छी तैयारी करनी है, तो आपको यही देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए इलेक्ट्रिकल विजन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम आपके लिए चला रहा है और घर बैठे आपको अच्छी तैयारी कराई जा रही है।
उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरे 200 मार्क्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लिखे हुए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेक्निकल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 2 क्लासेस हो रही है मंडे से लेकर सैटरडे तक, सुबह 10 बजे और सुबह 11 बजे। तो आप लोग भी क्लासेस ज्वाइन करिए और अच्छी तैयारी करिए। उसके अलावा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले लें और तैयारी में लग जाएं और इस जो आपकी वैकेंसी है यूपी आरबीएनएल की उसमें सिलेक्शन कराने का पूरा कोशिश करें और इस बार की भर्ती में सिलेक्शन कराएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको शेयर करिए और लाइक करिए, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर उसको बताइए और उनको बताइए कि कोई भी प्राइवेट नहीं होने वाला और जैसे भर्ती आती है वैसे ही आएगी। बस अभी सिचुएशन कुछ सही नहीं है, आप सभी को पता है, जब सही हो जाएगी तब आएगी। तो थोड़ा वेट करिए और तैयारी जारी रखिए। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।